अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। पूज्य पिताजी एवं माताजी श्री बाबूलाल जी जैन एडवोकेट एवं श्रीमती विद्या जैन की पुण्य स्मृति में संजय जैन, सविता जैन, सोहिल जैन, अपूर्वा जैन, स्वप्निल जैन व रेयांश जैन, फर्म पारस महल ज्वेलर्स, विदिशा। तीन भुवन में सार वितराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव कार त्रियोग संहारी के। दौलत राम जी द्वारा लिखित यह छह ढाला नामक ग्रंथ है। बहुत ही सुंदर रचना, जिसमें सम्यक दर्शन की हमारी यहाँ चर्चा चल रही थी। प्रत्येक जीव सुख चाहता है और सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न भी करता है। अनेक प्रयत्न करने के बावजूद भी सुखी नहीं हो पाता है। आखिर उसके पीछे कारण क्या है कि वो अपने सुख की तलाश बाहर में करता है। इसलिए कहा कि भाई जहाँ आकुलता नहीं हो वहाँ सच्चा सुख है, और आकुलता मोक्ष में नहीं है। इसलिए हे जीव, तुझे मोक्ष के मार्ग में लग जाना चाहिए। कि साहब मैं तो जानता नहीं हूँ मोक्ष का मार्ग क्या है और मोक्ष के मार्ग में कैसे लगा जाता है। तो उन्होंने कहा भाई तू अपनी आत्मा को जान, अपने आत्मा को पहचान, अपने आत्मा में लीन हो जा, यही सच्चा मोक्ष का मार्ग है। कि साहब कहना बहुत आसान है, बोलना बहुत आसान है, आपने कह दिया आत्मा को जान पहचान लीन हो जा, हो गया बस। अब करें क्या, कुछ तो बताओ। बोले निश्चय से तो बात ऐसी ही थी, हम कुछ व्यवहार से बताते हैं। बोले सात तत्वों की श्रद्धा का नाम व्यवहार सम्यक दर्शन है, वेद रूप श्रद्धा। और दौलत राम जी ने यहाँ तीसरी डाल में सात तत्वों को बताना प्रारंभ किया। जीव तत्व को समझाते हुए आत्मा को समझाया, बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा समझाया। अजीव तत्व को समझाते हुए फिर उन्होंने पांच भेद कर दिए, उद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल। ये अजीव तत्व के पांच भेद हैं। मेरे पास में यहाँ कुछ प्रश्न भी आए हुए हैं, कुछ लोगों के जो कल सुन रहे थे, जो लोग उनका यह प्रश्न वाजिब प्रश्न है कि तत्व की चर्चा करते हो तो अजीव बोलते हो और द्रव्य की चर्चा करते हो तो पुद्गल बोलते हो। बहुत सारे नए लोग हैं सुनने वाले। जब हम छह द्रव्यों की चर्चा करते हैं, जब छह द्रव्यों की चर्चा करते हैं तो जीव पुद्गल, और सात तत्व की चर्चा करते हैं तो जीव अजीव। भाई ऐसा है कि ये जो पूरा विश्व है ना, पूरी दुनिया, ये पूरी दुनिया छह द्रव्यों से मिलकर बनी है। छह द्रव्यों के समुदाय का नाम विश्व है। और छह द्रव्यों को यदि दो भागों में बांटना हो, छह द्रव्य कौन कौन से, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये छह द्रव्य हैं। अब इन छह द्रव्यों में को हमको दो भागों में बांटना है तो बहुत तरह से बांट सकते हैं। छह द्रव्यों को दो भागों में बांटना हो तो बहुत तरह से बांटा जा सकता है। हमने जीव अजीव में बांट दिया, तो जिसमें चेतनता है वो तो है जीव, और जिसमें चेतनता नहीं हो वो सब है अजीव। पुद्गल है उसमें भी अचेतनता है, धर्म द्रव्य में भी ज्ञान नहीं है, अधर्म द्रव्य में भी ज्ञान नहीं है, आकाश द्रव्य में भी ज्ञान नहीं है, काल द्रव्य में भी ज्ञान नहीं है, वो सब है अजीव। तो जीव और अजीव दो तरह से बंटवारा कर दिया, बहुत तरह से हो सकता है। अभी उस विस्तार में हम यहाँ नहीं जाना चाह रहे हैं। माने क्रियावर्ती अक्रियावर्ती की दृष्टि से जीव पुद्गल ये क्रियावान है, बाकी सब निष्क्रिय है, क्रियावान नहीं है। मूर्तिक अमूर्तिक की दृष्टि से बांटे तो छह द्रव्यों में से अकेला एक पुद्गल द्रव्य ऐसा है जो दिखाई देता है, बाकी पांच द्रव्य अमूर्तिक है। फिर जीव के साथ में धर्म अधर्म आकाश काल को भी एक साथ ले लेंगे, एक खाते में अकेला पुद्गल अलग हो गया। लोकाकाश में रहने वालों की और अलोक की अपेक्षा से बात करें तो आकाश सर्वव्यापक है और लोकाकाश में रहने वाले पांच द्रव्य हैं।
वैभाविक शक्ति की अपेक्षा से बात करें, ऐसे बहुत तरह से उनमें बंटवारे हो सकते हैं, विभाजन हो सकते हैं। यहाँ हमने बहुत मोटी मोटी बात देखी है, अजीव माने जिसमें चेतनता नहीं है। पुद्गल भी उसका एक प्रकार है, पुद्गल भी अजीव है, लेकिन पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण होता है, वो अलग एलिमेंट है। लेकिन स्पर्श रस गंध वर्ण तो नहीं हो और अचेतनता हो तो क्या होंगे कि धर्म धर्म आकाश काल होंगे। धर्म धर्म आकाश काल में स्पर्श तो नहीं है, रस गंध वर्ण तो नहीं है, लेकिन अचेतनता है। ख्याल में आ रही है बस? ऐसे ही एक प्रदेशी बहुप्रदेशी की अपेक्षा से भी भेद है। खैर उस विस्तार में नहीं चलते हुए हम आगे बढ़ते हैं। एक और छोटी सी जिज्ञासा मेरे पास में आई थी, फरस वसु जाके हैं, ये प्रश्न खड़ा हुआ। फरस वसु कल आई थी ना चर्चा, पुद्गल की चर्चा करते समय, फरस माने स्पर्श, फर्श माने ये फर्श नहीं, स्पर्श, और वसु माने होता है आठ। तो स्पर्श की आठ अवस्थाएं देखी जाती है, ये दौलत राम जी यहां कहना चाह रहे थे। आठ प्रकार की अवस्थाएं पुद्गल की दिखती है, आठ रूप तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रत्येक पुद्गल में इन आठ में से चार होंगी ऐसा दिखता है। या तो हल्का होगा या भारी होगा, रूखापन होगा या चिकनापन होगा, ठंडा होगा या गर्म होगा, हल्का होगा या भारी होगा, कड़ा होगा कि नरम होगा। हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा कठोर नरम और ठंडा गर्म। तो ये आठ प्रकार की अवस्थाएं पुद्गल के अंदर देखी जाती है, ये पुद्गलों की अवस्था के संदर्भ में बातें। चलिए ये सब जीव और अजीव तत्व की चर्चा कर लेने के उपरांत हमने यहाँ चर्चा प्रारंभ की थी आश्रव तत्व के संदर्भ में, और जिसमें यह कहा था मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय और योग, ये पांच प्रकार के आश्रव हैं। मिथ्यात्व माने उल्टी मान्यता, अविरति व्रत नहीं होना, प्रमाद, फिर कषाय और फिर योग, आत्म प्रदेशों की चंचलता। ये पांच प्रकार ऐसे हैं जिन पांच प्रकारों से इस जीव को आश्रव होता है। आश्रव दो प्रकार का है, एक भावाश्रव एक द्रव्य आश्रव। जीव के परिणाम वो भावाश्रव है, और कर्मों को अट्रैक्ट करना, कर्म आना, जो कारमाण वर्गणाएं जो थी पुद्गल की, ये धूल जैसी होती है पुद्गल की वर्गणाएं, पुद्गल परमाणु जैसे होते हैं, हमारे भाव जैसे हुए उसके अनुसार वे बदलती हैं, वे अट्रैक्ट होती हैं, आत्मा के साथ में एकत्रित होती हैं, नजदीक आती हैं, बस उस द्वार का नाम है आश्रव, और आकर के चिपक जाना इसका नाम है बंध। बंध किसे कहते हैं? दो वस्तुओं के परस्पर में चिपक जाने का नाम है बंध। बंध गया आत्मा, बंध गया, बोले किससे बंधा? बोले कर्म से बंधा। तो बोले बंध होने के पहले आश्रव होगा, बिना आश्रव के बंध नहीं होता, आश्रव पूर्वक बंध होता है। कर्म आएंगे तभी तो बंधेंगे, आकर के बांधे। तो ये आश्रव तत्व हो गया, वो आश्रव किस कारण से है? बोले पांच कारण बतला दिए, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय और योग। अब गजब की बात दौलत राम जी आगे कहना चाह रहे हैं, ये ही आत्म को दुख कारण। लो ये जीव बंध से दुखी नहीं है, ये जीव कर्म से दुखी नहीं है, ये जीव परद्रव्य से दुखी नहीं है, ये जीव बाल बच्चों से दुखी नहीं है, ये जीव परिस्थितियों से दुखी नहीं है। बोलो किस किस से दुख नजर आता है? तो सारे दुनिया में दृष्टि दे करके देखोगे तो तुम्हें लगेगा मैं इससे दुखी हूं, मैं इससे दुखी हूं, मैं इससे दुखी हूं। हर आत्मा दुखी है, लेकिन दुख का कारण क्या है? गर्मी दुख का कारण है, सब्जी में तेज मिर्च दुख का कारण है, सर दर्द दुख का कारण है, बच्चों ने माथा पचा दिया ये दुख का कारण है, हमारी सुनते नहीं है ये दुख का कारण है, सर्वेंट छोड़ करके भाग गया ये दुख का कारण है। हजार कारण गिना सकते हैं आप हमारे को। शरीर साथ नहीं दे रहा ये दुख का कारण है, मन नहीं लग रहा है ये दुख का कारण है, लाइट नहीं आ रही है ये दुख का कारण है, लॉकडाउन चल रहा है ये दुख का कारण है, बीमारी हो गई ये दुख का कारण। हजार लाइन लगा करके कारण बतलाओ, बोले सब झूठे कारण है, झूठ बोल रहा है, ये कोई दुख के कारण होते ही नहीं। तेरे को कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई है जिन्हें तू दुख का कारण समझ रहा है। यदि ये सब दुख के कारण होते, कल्पना करो आप,
यदि बीमारी दुख का कारण होती तो प्रत्येक व्यक्ति को दुख का कारण होनी चाहिए। यदि बच्चे दुख का कारण होते तो प्रत्येक व्यक्ति के दुख का कारण होना चाहिए। अरे इतनी अपार वेदना बालक को जन्म देते समय, उसके बावजूद भी जन्म होते ही जो चेहरे पर प्रसन्नता है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। वो अपार प्रसन्नता है। तो जो जो दुख का कारण दिख रहा है वो प्रसन्नता का कारण कैसे हो सकता है? माने हमें जो जो कारण दुख के दिखाई दे रहे हैं वे हर व्यक्ति के लिए दुख के कारण नहीं होते। किसी व्यक्ति के लिए वो आनंद का कारण भी होता है, किसी व्यक्ति को उसमें मजा भी आता है। बीमार व्यक्ति बीमार होकर के दुखी होते हैं तो बीमारी फैलना कई लोगों के लिए सुख का कारण भी होता है। मैंने एक डॉक्टर को ऐसा कहते हुए सुना, अभी तो हमारा सीजन टाइम चल रहा है। मैंने कहा गजब हो गया, डॉक्टरों का सीजन टाइम, डॉक्टरों का भी सीजन टाइम होता है क्या? कुछ डॉक्टरों के सीजन टाइम का मतलब क्या है? उनका सीजन माने क्या? बीमारी। लोग ज्यादा से ज्यादा बीमार हो तो हमारा बिजनेस चलता है, हमारा काम चलता है। लोग कोई बीमार नहीं हो, इसलिए डॉक्टर भी अटका के रखना चाहते हैं। कम डॉक्टर ऐसे होते हैं जो फ्री कर देवे आपको, इसलिए जो फ्री का उपचार करते हैं, समझ लो आप निःशुल्क देखते हैं, वो ये चाहते हैं कि पेशेंट दोबारा नहीं आए, आफत कम हो। और जिसको जितनी फीस मिलती है वो ये सोचता है। और मुझे मालूम है बहुत सारे डॉक्टर भी इस बात को सुन रहे होंगे, लेकिन फल तो परिणामों के हिसाब से लगता है भाई। सब तरह के लोग हैं और सब तरह के परिणाम हैं। मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत तरह के लोग बहुत तरह के विचार रखते हैं, सब तरह की बातें हो सकती है। यहाँ क्या कह रहे हैं दौलत राम जी, चलिए 9 नंबर का छंद, बोले दुख के असली कारण क्या है उससे आपका परिचय कराते हैं। आप सामने वाले से दुखी नहीं थे, आप अपनी कषाय से दुखी थे, आप अपने राग से दुखी थे, आप अपने मोह से दुखी थे, आप अपनी मिथ्या मान्यता से दुखी थे, आप अपने अज्ञान से दुखी थे। दुनिया में कोई दुखी करने वाला नहीं है हमारे को, हम अपने अज्ञान से दुखी हैं। क्या भाई समझ में आ रही है बात? देखो, यही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए, जीव प्रदेश बंधे विधि सो सो बंधन कब हुन सजिए, शम दम तेजो कर्म न आवे सो संवर आदरिए, तप बल ते विधि जरन निर्जरा ताही सदा चरिए। क्या कितने सुंदर बात कही है, जोगी रासा छंद है। क्या कहा है? यही कौन? यही है। अरे यही है, पकड़ में आ गया मेरे को, यही है बदमाश, इसकी वजह से मैं दुखी हूं। अरे भाई साहब, गलत फहमी हुई थी मुझे, मैं इनको दुख का कारण समझ रहा था, मुझे पता ही नहीं था इनके पीछे कोई दूसरा है जो असली दुख का कारण है। इनके पीछे कोई दूसरा व्यक्ति दिखाई दे रहा है, वो मेरी तकलीफ का कारण है। सच में ये आश्रव भाव हमें दिखते नहीं है क्या? ये आश्रव भाव महसूस किए जाते हैं। जो जीव अपने राग को जीत लेता है, जो अपनी कषायों को जीत लेता है, फिर दुनिया में उसे कोई दुखी करने वाला दिखाई नहीं देता। कौन दुखी करे? जिसे गुस्सा नहीं आता हो उसे कौन दुखी करे? जो नाराज नहीं होता हो उसे कौन दुखी करे? जिसके अंदर में परिणाम अच्छे हो उसे कौन व्यक्ति परेशान करे? जो परेशान होता ही नहीं है उसे दुनिया की कौन ताकत दुखी कर सकती है? तो मैं अपने परिणामों से दुखी होता हूं और अपने परिणामों को संभाल करके सुखी हो सकता हूं। इसलिए दौलत राम जी के ये शब्द, ये ही आत्म को दुख कारण, ये ही किसको दुख का कारण? आत्मा के दुख का कारण। अरे भाई मैं आत्मा ही तो हूं, ये मेरे ही दुख के कारण है। ताते इसलिए क्या करना बोलो? इनको तजिए। कल पढ़ ली थी क्या अपन ने लाइने? नहीं पढ़ी थी। ओहो, किनको तजिए? अपने बड़े भैरा तमता ही जान तजी, वहां भी हमने तजने की बात की थी, और यहां कह रहे हैं ताते इनको तजिए। बोलो आलू छोड़ना के नहीं? मैं हेगे उपाधेय की चर्चा करता हूं कई बार सभाओं में, और मैं लोगों से पूछता हूं, बोलो आलू का त्याग करना चाहिए के नहीं? तो सभा एक स्वर में बोलती है करना चाहिए, और मैं ये कहता हूं आलू का त्याग कर ही नहीं सकता है। आलू का त्याग कैसे करेगा बता तो सही मेरे को। आलू तो क्या? क्या आलू का त्याग नहीं करना? और पंडित जी बहुत अच्छे बता दिए आपने, तो मजा आ गया। आलू का त्याग नहीं करना, बोलो। हम आपसे पूछ रहे हैं
सात तत्वों में से अभी हमने कितने तत्व पढ़ाए आपको, जीव अजीव और आश्रव, तीन तत्व पढ़ाए ना। तो बताओ इन तीन तत्वों में से आलू कौन से तत्व में जाता है? जीव तत्व है क्या कि नहीं? अजीव है ना, दिख रहा है ना, आंखों से पुद्गल है ना, जो आंखों से दिखाई दे रहे वो सब पुद्गल है। तो आलू क्या है? पुद्गल, अजीव तत्व है, बराबर, आश्रव तो नहीं है। तो सुनो इन तीन में से बात करें अभी अपन, तो जीव तो श्रद्धा करने योग्य है, जीव तो अपनापन करने योग्य है, अजीव जानने योग्य है, और आश्रम के बारे में दौलत राम जी कहते हैं तांते इनको तजिए, ये छोड़ने लायक है। माने स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं आश्रम छोड़ने लायक है, आलू छोड़ने लायक नहीं है, जमीकंद छोड़ने लायक नहीं है, मांस भक्षण छोड़ने लायक नहीं है, शराब छोड़ने लायक नहीं है। कि क्या उल्टी सीधी बातें किए जा रहे हो, कुछ होश है आपको, क्या उठपटांग बोले जा रहे हो कि सुनो 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 भाई तुम कैसे त्याग करोगे आलू का, ये तो बताओ मुझे। ऐसे आलू को उठाओ हाथ में, हे आलू मैं तेरा त्याग करता हूं, ऐसे ऐसे आलू का त्याग करें, कैसे त्याग करें मनु? मैंने आलू छोड़ दिए, कैसे छोड़े, कैसे छोड़े बताओ, कैसे छोड़े? ऐसे ऐसे उठा करके एक छोड़ दिया, ऐसे ऐसे छोड़ते कैसे छोड़ते बताओ, खाना उठाया छोड़ दिया, कैसे छोड़ेंगे? खाना छोड़ दिया। अरे भाई सच में तो आलू नहीं, ये सारे विषय नहीं, इन सब के प्रति होने वाला जो हमारा राग था ना, वो राग है आश्रव, आश्रव है वो राग, तो राग छोड़ने लायक है तो फिर आलू नहीं। अरे राग छूट जाएगा तो आलू अपने आप छूट जाएगा, राग छूट जाएगा तो नॉनवेज अपने आप छूट जाएगा, राग छूटेगा तो शराब अपने आप छूट जाएगी। वो तो पर वस्तु है, वो तो जड़ है, वस्तु नहीं, वस्तु के प्रति राग, राग छोड़ो, राग दुख का कारण है, वस्तु दुख का कारण नहीं। समझ में आ रही है बात? जिसका उस वस्तु को खाने के प्रति राग टूट गया, जिसका उस वस्तु को खाने के प्रति अपनापन टूट गया, वो वस्तु का त्याग अपने आप हो गया। और सच में त्याग भी जो होता है ये ज्ञान में होता है, बाहर में नहीं होता है। क्या राग का त्याग अंदर में होगा, किसी भी चीज का त्याग, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने तो 34वीं गाथा में कहा पच्चाखाणम नाणम ज्ञानी प्रत्याख्याने, बोले पर को पर जाना बोले त्याग हो गया, निज को निज जान पर को पर जान बोले त्याग हो गया, इसे त्याग कहते हैं। 35वीं गाथा में धोबी का उदाहरण दे दिया उन्होंने, चद्दर खींच करके बतला दिया, बोले ये मेरी नहीं, ये बात खत्म हो गई, ये उदाहरण दे दिया। जैसे ही हमें पता लग गया, यहां से हम उठे और उठते समय हमने एक मोबाइल ऐसे हाथ में लिया और लेकर के चल दिए, और जैसे ही भाई साहब ये मोबाइल, अरे मेरा नहीं, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आप क्या करेंगे बताओ? जैसे आपको पता लगा कि ये मेरा नहीं है, उसको छोड़ दिया ना। मैं आपसे पूछता हूं, यहां से हम नीचे उतरे क्या, और बाहर बहुत सारी चप्पलें खुली हुई थी और हमने चप्पल पहनी, तो आप किसकी चप्पल पहनते हैं भाई साहब? अपनी पहनते हैं कि अच्छी पहनते हैं? अपनी पहनते हैं। तो देखते किसकी है, अपनी देखते हैं कि दूसरों की देखते हैं? अपनी देखते हैं, और दूसरी दिखे तो दृष्टि हट जाती है वहां से। चलो कोई बात नहीं, आंखें भले ही धोखा खा जाए, पैर आपका दूसरी चप्पल में गया और आपके पैर ने पहचान लिया कि मेरी नहीं है, और पैर वापस निकल जाता है। यार क्या बात है, मेरी नहीं है। ये पैर उस चप्पल में जाने के बाद ये दोबारा बाहर क्यों निकला? बोलो, मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, सीधी सी बात है। माने जहां अपनापन टूट गया वहां त्याग हो गया, इसलिए नादून आसवाणम 72वीं गाथा में समय सार में ऐसा कहते हैं, आश्रमों को जान जानकर अशुचित्तम विवरीय भावम च, अशुचि है, विपरीत भाव वाले हैं, और दुखस्य कारणम तिय, और दुख के कारण है, ऐसा जान ले। ये आश्रम दुख के कारण है, ये एकमात्र दुख के कारण है, एकमात्र हमारी तकलीफ का कारण यदि दुनिया में कोई है तो अपना आश्रम भाव है। बच्चों से जितना जितना राग, जितना जितना अपनापन, जब वो सब दुख का कारण, और जहां अपनापन टूट गया आप कुछ भी हो मरे हमारी तरफ से, हमें क्या रहे? बोलो, जहां अपनापन होगा वहां दुख होगा,
मैं बहुत इतने उदाहरण उछल रहे हैं ये दुख के कारण के संदर्भ में, जिसके लिए दौलत राम जी कहते इनको तजिए, इनको तजिए। अरे किनको तजिए ये बताओ तो सही, आप किसको छोड़े हम? और सारी दुनिया कह रही है कपड़े छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, दुनिया भर की चीजें छोड़ो, परिग्रह छोड़ो। क्या छोड़ना है, किसे छोड़ना है? राख छोड़ना है, परिग्रह नहीं, अपने आप छूट जाएगा। मिथ्यात्व छोड़ना है, अविरति छोड़ना है, प्रमाद कषाय और योग इनको छोड़ना है, ताते इनको तजिए, ये ही आत्म को दुख कारण, इनको तजिए। पता लग गया अपना नहीं है, दृष्टि बदल जाती है भाई साहब। शरीर को अपना मानना ही तो छोड़ना है, बोलो अब शरीर को कैसे छोड़ेंगे? यही तो छोड़ने योग्य है, और क्या है? ज्ञानी का छूट जाता है, ज्ञानी का शरीर के प्रति अपनापन छूट जाता है। देखो शरीर बना रहे कोई दिक्कत नहीं है, अपनापन छूटा सम्यक दर्शन हो गया, अपनापन और कम होता चला गया, भूमिका अनुसार गुणस्थान बढ़ते चले गए, सर्व प्रकार के मोहादिक का त्याग हो गया, अरहंत हो गया, शरीर बना हुआ है, शरीर ज्यों का त्यों बना हुआ है, केवल ज्ञान हो गया, शरीर ज्यों का त्यों बना हुआ है, अनंत सुख प्रकट हो गया, अरहंत अवस्था प्रकट हो गई। शरीर से केवल ज्ञान, शरीर बाधक नहीं है, शरीर बाधक नहीं है, शरीर से उत्तर, लेकिन शरीर के प्रति होने वाला राग बाधक है। राग रंच मात्र भी रहे तो केवल ज्ञान नहीं हो सकता, और शरीर ज्यों का त्यों पूरा बना रहे तो केवल ज्ञान में कोई बाधा नहीं होती। इसलिए शरीर के प्रति होने वाला राग और अपनापन यही वास्तव में छोड़ने योग्य है, ये दौलत राम जी ने यहां कह दिया। ये बात यदि समझ में आ गई तो समझ लेना क्लास सार्थक हो गई। क्या बात समझ में आ गई? क्या दुख का कारण है? पैसा दुख का कारण है कि पैसे के प्रति राग? बोलो, हर चीज में लगाइए आप, क्या क्या चीज आपके दुख का कारण है? जहां आपको दुख का कारण दिखाई दे रहा है वो वस्तु या वस्तु के प्रति राग, मेरा राग टूट गया तो दुख खत्म हो गया। एक प्रसंग थोड़े समय पहले मैंने सुनाया भी था और पढ़ा भी था, कहीं सुनाया भी, आपने भी कहीं सुना होगा, बीच में शायद व्हाट्सएप पर भी कहीं चल रहा था, किसी व्यक्ति के मकान में आग लग गई। सुना होगा आपने भी ऐसा प्रसंग, किसी व्यक्ति के मकान में आग लग गई। अब जैसे ही किसी व्यक्ति के मकान में आग लगी तो वो सब बाहर आ गए, ओ व्यक्ति रोने लग गया, परेशान होने लग गया, क्या वो आप मकान में आग लग गई तो क्या कितना दुखी हो रहा है। और इतनी देर में उसका बड़ा बेटा आया और उसने कहा पिताजी दुखी मत हो, मकान तो अपन ने बेच दिया था, क्या मकान का तो अपन ने सौदा कर दिया था, शांति मिल गई। अब क्या हुआ, वही मकान वैसे ही जल रहा है, अब दुख बिल्कुल नहीं है, क्या अब शांति हो गई, क्योंकि अब अपनापन नहीं है उसके प्रति। अब क्या हुआ, इतनी देर में छोटा बेटा आया, अरे अरे पिताजी वो तो रजिस्ट्री हुई नहीं थी अभी तक, अब क्या हुआ, फिर होना चालू, अभी तो अपना ही है। जहां अपनापन है वहां दुख है, वहां तकलीफ है, वहां राग है, जहां अपनापन नहीं है वहां तकलीफ नहीं है। अपनापन पर के प्रति अपनापन माने मिथ्यात्व, पहले नंबर पर जो कहा ना यही आत्म को दुख कारण, पर के प्रति अपनापन सो मिथ्यात्व है। और फिर आगे आगे लगाते चलिए, तो ये सब दुख के कारण है इसके, इसलिए किन को तजिए, छोड़ दिया साहब हमने उनको छोड़ दिया, किन को छोड़ दिया आपने, घर छोड़ दिया हमने, घर तो अनंत बार छोड़ा है, कोई दम नहीं है, और तूने घर छोड़ करके क्या बहुत बड़ा काम कर लिया, अभी प्राण निकल गए यहां से तो घर वाले निकाल करके छोड़ आएंगे तुझे जंगल में, घर छोड़ दिया, तन छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, क्या दम है परिवार छोड़ने में? चार इंद्री तक के जीवों के तो परिवार ही नहीं होता, ये कह रहे हैं मैंने परिवार छोड़ दिया। एक इंद्री जीवों के परिवार नहीं होता, दो इंद्री जीवों के परिवार नहीं होता, तीन इंद्री चार इंद्री जीवों के परिवार नहीं होता, वे सब सम्मूर्छन होते हैं, सम्मूर्छन जीवों के परिवार नहीं हुआ करते, उनके फैमिली नहीं होती। मैं भूल जाता हूँ, बहुत सारे नए लोग होंगे फिर पूछेंगे सम्मूर्छन क्या चीज होती है, क्या सम्मूर्छन माने ऐसे जीव होते हैं जो वातावरण से पैदा हो जाते हैं। ये जो कोरोना नाम का जो वायरस जो चेतन है, क्या ये भी सम्मूर्छन है, ये वातावरण से पैदा होता है, तो ये जैसा माहौल उस तरह का उसके योग्य वातावरण दिखाई देता है वहां उस तरह के वो जीव पैदा हो जाते हैं।
कुछ एक लोगों का ये कहना था कि वायरस अचेतन है, तो वायरस अचेतन है वो अलग मैटर है ना, और वो जब जब शरीर के संपर्क में आते हैं तो वो चेतन है, वो लिविंग हो जाते हैं, वो लिविंग हो जाते हैं, वो जिंदा हो जाते हैं, वो सेल्स को खा रहे हैं वो अंदर हमारे बॉडी के, वो चेतन है, वो एक्टिव हो जाते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, ये तो हो गई आश्रम की बात। अब आगे बंद संवर और निर्जरा के संदर्भ में भी तीन लाइनें इसी छंद में दी है, देखिए जरा ध्यान से। जीव प्रदेश बंधे विधि सो सो बंधन कब हुन सजिए, क्या कह रहे हैं? जीव प्रदेश, जीव और प्रदेश, जीव और प्रदेश, कर्म के प्रदेश ये बंध गए, जीव के साथ में कर्म आकर के चिपक गए। किससे किससे बंधे? विधि सो, विधि माने होता है कर्म, विधि शब्द का अर्थ है कर्म, सो माने उससे, सो माने इसलिए। तो क्या करना? बंधन कब हुना सजिए, ऐसा बंधन कभी नहीं करना चाहिए। जीव और कर्म ये आपस में बंधे, ऐसा बंधन है वो बंधन कभी भी करने योग्य नहीं है। तो क्या करें इन आश्रम और बंध से बचने के लिए, क्या करें? तो बोले एक कहा है संवर और एक है निर्जरा। आश्रम का ऑपोजिट है संवर और बंध का ऑपोजिट है निर्जरा। देखिए इन तत्वों को एक नाव के उदाहरण के माध्यम से समझाया जाता है, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, जो लोग पुराने हैं वो दो मिनट धैर्य रख करके सुने, नए लोगों के लिए बात समझा रहा हूं। ये जो नाव होती है ना, नाव, नाव चलाने वाला चेतन जीव, नाव अचेतन, नाव में हो गया छेद, छेद हुआ, तो छेद हो जाने पर नाव चूंकि पानी में थी उसमें से पानी आने लगा, नीचे से पानी आने लगा, तो जैसे जैसे पानी आता जा रहा है वो जो छेद है, आने का द्वार है जिसके द्वारा पानी अंदर नाव में आ रहा है, उसका नाम है आश्रम। कर्म आ रहे हैं, कर्म आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, और आने के बाद में क्या हो रहा है, वो पानी नाव में इकट्ठा होता चला जा रहा है, एकत्रित होता जा रहा है, इसका नाम क्या है? बंध। पानी का आना वो आश्रम और पानी का भरते जाना वो बंध। अब जैसे ही पानी आना शुरू हुआ और हम बैठे थे नाव में, तो हमने क्या किया? अरे पानी निकालो, पानी निकालो, नाव डूब जाएगी, पानी निकालो, और खूब पानी निकालते जा रहे हैं, और पानी निकालते जा रहे हैं, और पानी आता जा रहा है, निकालते जा रहे हैं और आता जा रहा है, बोलो कितना भला होगा। तो बोलो समझदार आदमी क्या कहेगा? सुनो सुनो, पहले जहां से आ रहा है ना उसको रोको, जिस छेद में से पानी आ रहा था उस छेद को रोको, वहां डाटा लगाओ, उस जगह पर कपड़ा फंसाओ, उस जगह पर कोई कुछ चीज लगाओ जिससे वो नहीं आए, इसका नाम है संवर। आना रुक जाना, नवीन कर्म नहीं आना, कर्मों का प्रवेश नहीं होना, इसका नाम क्या है? संवर। और जो पहले के पड़ा हुआ है पानी उसमें फिर उसे धीरे धीरे निकालना, ये कहलाती है निर्जरा। इसलिए संवर के बिना निर्जरा काम की नहीं है। ये दौलत राम जी आगे पांचवी ढाल में भी चर्चा करेंगे संवर निर्जरा भावना के संदर्भ में, तब और विशेष खुलासा इनके संदर्भ में होगा। आपको धैर्य रखना पड़ेगा कम से कम 15-20 दिन का, इतना धैर्य, फिर आएगी चर्चा, इतने दिन में आ जाएगी वो पांचवी ढाल तक, अपन 15-20 दिन महीना भर लग जाए, इससे ज्यादा तो नहीं लगेगा, इसके अंदर अंदर हो जाएगा, थोड़ा जल्दी भी चल रहे हैं। तो देखिए वो संवर हो गया तो कैसे होता है? शम और दम। संवर कैसे होगा? शम दम, शम माने होता है शमन, कषायों का शमन, कषायों का अभाव, वो शम कहलाता है, और दम कहलाता है इंद्रियों को कंट्रोल करना, दमन करना, इंद्रियों को रोकना, इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति को रोकना, और शम माने कषायों का अभाव। इससे क्या होता है? जो कर्म न आवे, जो कर्म नहीं आते हैं उन्हें कहते हैं संवर। क्या? तो संवर आदरीय, वो संवर ग्रहण करने योग्य है,
शम और दमते माने कषायों के अभाव से और इंद्रियों के दमन से आते हुए कर्मों के रुक जाने का नाम, इसका नाम है संवर। नए कर्मों के नहीं आने का नाम है संवर। और तप के बल से, तपस्या के बल से क्या हुआ? विधि जरण। विधि शब्द का अर्थ क्या किया था ऊपर दूसरी लाइन में? कर्म। कर्म तो तप बल, तपस्या के बल से, ध्यान के बल से, साधना के बल से, स्वरूप में स्थिरता के बल से, आत्म स्वरूप में लीनता के बल से विधि झरण, कर्मों का झड़ना वो निर्जरा है। ता ही सदा आचरिए, वो सदा ही आचरण करने योग्य है, वो निर्जरा सदा ही अपनाने योग्य है। हो गए, छह तत्व हो गए यहां तक। एक जीव तत्व, जीव तत्व थोड़ा विस्तार से समझाया। अजीव तत्व में पांच भेद करके उन्हें समझाया। आश्रव तत्व को दुख के कारण बतलाए मिथ्यात्वादी कह करके। फिर बंध तत्व, कर्म और आत्मा के जुड़ने का नाम बंध कहा, आते हुए कर्मों के रुकने का नाम संवर कहा, और पहले के बंधे हुए कर्मों के छूट जाने का नाम निर्जरा है। ठीक है, बैठे पूरब चोर, ऐसे अपन बोलते हैं ना, किसमें? बारे भावना में, निर्जरा भावना के अंदर। ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे भ्रम चोर, और याविद बिन निकसे नहीं बैठे। पहले के जो चोर बैठे हुए हैं दरवाजे पर तो पहरा लगा दिया, वो तो हो गया संवर, लेकिन जो पहले ही अंदर से घुस करके बैठे हुए उनका क्या होगा? बोलो, अपन ने चारों तरफ की बाउंड्री तो क्लोज कर दी अपने, मोदी जी ने क्या किया, चारों तरफ के देश की बाउंड्री को सील कर दिया, कोई व्यक्ति बाहर से नहीं आएगा, तो अब तो कोरोना नहीं होगा ना। अरे जो पहले ही अंदर बैठे उनका क्या होगा? बाहर से चोर नहीं आए इसके लिए आपने चौकीदार तो खड़ा कर दिया, लेकिन जब चौकीदार खड़ा किया था उसके पहले अंदर जो आ गए उनका क्या होगा? क्या समझ में आ रही है बात? देखिए तो अब 10 नंबर का छंद देखते हैं आगे, अपन क्या बात यहां कहना चाहते हैं। मोक्ष की चर्चा होगी, अंतिम तत्व है मोक्ष तत्व। बोलिए छंद। सकल कर्म ते रहित अवस्था सो शिव थिर सुखकारी, इह विधि जो सरधात त्वन की सो समकित व्यवहारी। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दयायुत सारो, ये हुमान समकित को कारण। एक प्रश्न सामने है, वैभाविक शक्ति का मतलब क्या है? वैभाविक शक्ति माने होता है विभाव। विभाव करने की भी पावर है, जीव की पावर है विभाव करने की पावर, माने जीव में है वो स्वयं ही राग रूप परिणमित होता है, स्वयं में है ऐसी विभाव करने की। पुद्गलों में भी, पुद्गल का परमाणु तो है शुद्ध और स्कंद रूप हो गया, ये है उसका विभाव। पुद्गल में यदि विभाव होने की शक्ति ना हो तो, जीव में यदि राग करने की निजी शक्ति न हो तो कौन राग कराए? मैं आपसे पूछता हूं, ये पुस्तक है, इस पुस्तक में राग करने की शक्ति नहीं है, तो इसको कोई राग करा करके दिखाए, इसे कोई द्वेष करा करके दिखाए, इसे कोई गुस्सा दिला करके दिखाए, इसमें गुस्सा नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसमें वैसी शक्ति नहीं है। जैसे अग्नि है तो अग्नि जलाने का काम करती है, तो किसे जलाती है? बोले जिसमें जलने की पावर हो उसे जलाएगी। दुनिया में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो अग्नि के संपर्क में आने पर भी जलते नहीं है, क्या इसका मतलब? उनमें जलने की ताकत नहीं है, तो फिर अग्नि जलाती है, लेकिन किसको? जो जलते हैं उन्हें जलाती है। तो राग द्वेष कषाय भाव ये कौन करता है? जिसमें राग द्वेष कषाय करने की शक्ति होती है वो राग द्वेष कषाय करता है। जैसे सिद्धों में ये वैभाविक पना नहीं है, तो सिद्ध भगवान के राग द्वेष नहीं होता। समझ में आ रही है बात? चलिए क्या कह रहे हैं यहां, शक्ति नहीं, ये विभाव के कमजोरी है वास्तव में, है ना? देखिए क्या कह रहे हैं यहां पे, 10 नंबर का छंद। सकल कर्म ते रहित अवस्था, वो नाव की चर्चा कर रहे थे अपन, नाव की, उस नाव में से पानी निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, क्या होता जा रहा है? निर्जरा। पानी का धीरे धीरे निकलना क्या हो रहा है? निर्जरा। अब पूरी नाव खाली हो गई, मोक्ष हो गया, इतना आसान है।
मोक्ष के लिए क्या करें, एक नाव लेकर के चले, फिर चेत करें, फिर पानी आने देवे, फिर चेत बंद करें, फिर पानी निकाल देवे, मोक्ष हो जाएगा ना पंडित जी? अरे नाव का मोक्ष हुआ है, अपना नहीं। ये तो उदाहरण बतलाया है, अपना मोक्ष तो इस चेतन रूपी नाव में जो आए हुए हैं कर्म, वे हैं जल के समान। इस चेतन रूपी नाव में से जल के समान जब ये कर्म निकल जाएंगे तो फिर जीव का मोक्ष होगा। तो सकल, सकल माने संपूर्ण। देखना एक सकल शब्द और आया था पहले, दो तीन दिन पहले, सकल परमात्मा। वहां सकल माने कहा था शरीर सहित, यहां सकल माने होता है संपूर्ण। शब्द एक और अर्थ अनेक, क्या गजब है भाई। अर्थ नहीं समझो तो सकल सकल का सकल कर्म थे माने शरीर से, ऐसा समझने लग जाए। सकल और एक था सकल द्रव्य के गुणानंत है, ये कहा था सकल द्रव्य के गुणानंत पर्याय अनंता जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। चौथी डाल में आएगी चर्चा, सकल द्रव्य को वास जास में आकाश की चर्चा की थी अपन ने, सकल शब्द आया था। सकल द्रव्य को वास है, सब द्रव्य जिसके अंदर रहते हो, ऐसी बात कही। तो सकल कर्म ते माने सभी प्रकार के कर्मों से जो रहित है अवस्था, सो शिव, वो मोक्ष है। उस अवस्था को मोक्ष कहते हैं। वो कैसी है? स्थिर है, स्थिर है। सो शिव वो मोक्ष है, स्थिर माने परमानेंट अवस्था है, सुखकारी माने सुख करने वाली है। वो मोक्ष अवस्था परमानेंट अवस्था है और सुख रूप अवस्था है, ये बात पहले छंद में भी कह दी थी। मोक्ष मात्र शिव मगलागियो चाहिए, और कह रहे हैं ये हो गई अवस्था, मजा आ गया, गजब हो गई बात। सब पूज्य पिताजी एवं माताजी श्री बाबूलाल जी जैन एडवोकेट एवं श्रीमती विद्या जैन की पुण्य स्मृति में संजय जैन, सविता जैन, सोहिल जैन, अपूर्वा जैन, स्वप्निल जैन व रेयांश जैन, फर्म पारस महल ज्वेलर्स विदिशा,